Hello guys, so welcome back to my channel. And yes guys, hope you all guys are doing great. तो guys काफ़ी दिनों से मतलब मैं वीडियो नहीं बना रहा था इस चैनल पर. एंड यस गाइस, आज मैं मतलब आपके लिए लेके आया हूँ जो कि स्टॉक मार्केट या यू ही कह लो शेयर मार्केट रिलेटेड, जो कि काफ़ी मेन टॉपिक है गाइस ये, जो कि आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे बनाते हैं या कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन चार्ट. तो आज वही सीखेंगे गैस हम लोग. तो चले गैस, मैं आ चुका हूँ मेरा डेस्कटॉप के स्क्रीन पर. तो पहले तो हम लोग मैं खोल लेता हूँ पहले तो गूगल क्रोम. तो चलते हैं हमारे धन के वेबसाइट पर. तो ये क्योंकि गैस ये काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है गैस, और यहाँ ही यू ही कह लो जो कि है ब्रोकर, जो कि आपको मिलता है काफ़ी प्रीमियम, आपको देता है फीचर्स. आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के साथ इनका पार्टनरशिप है, और आप ऐसे ही ट्रेडिंग व्यू पर आप चार्ट एनालाइज करते हो तो वहाँ पे इंडिकेटर आप वहाँ पे इतना यूज़ नहीं कर पाते हो, और आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है ये ट्रेडिंग व्यू पर. यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू और धन का, ट्रेडिंग व्यू और धन का यहाँ पर देख सकते हो इनका पार्टनरशिप है यहाँ पर. तो गैस ये धन आपको मतलब फीचर्स देता है इनका सभी इंडिकेटर यूज़ करने का. तो गैस मस्ट है गैस, आपको मतलब अकाउंट बनाना चाहिए इनके साथ. तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले. तो ये रहा इनका वेबसाइट. तो मैं अपना ओटीपी, चले ऑटोमेटिक हो गया ये, ओटीपी देने का ज़रूरत नहीं पड़ा. तो यहाँ देख सकते हो गैस निफ्टी बैंक, ये रहा निफ्टी बैंक, और ये निफ्टी 50 का चार्ट खुल चुका है, और ये बैंक निफ्टी का पुट का चार्ट खुल चुका है यहाँ पे. और जो कि आप स्ट्राइक प्राइस का, स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो 46200 का स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है ये. एंड तो चले गए हम लोग निफ्टी बैंक में, हम लोग एनालाइज करेंगे, जो कि देखिए गाइस मैंने पहले बना चुका है यहाँ पे सब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना चुका है यहाँ पे ऑलरेडी. तो इसको रिमूव करते हैं पहले. तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाए हम लोग. तो यहाँ देख सकते हो गाइस, तो मैंने तो पहले तो आपको गाइस यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम मिल जाता है, जो कि मतलब आप एक मिनट के चार्ट पर भी देख सकते हो गाइस. तो ये रहा मैंने एक मिनट के चार्ट शिफ्ट कर चुका है, और एक मिनट का चार्ट का मतलब होता है, तो यहाँ देख सकते हो ये कैंडल देख रहे हो यहाँ पर, एक एक कैंडल यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल बना है यहाँ पे, जो कि आप स्केल्पिंग में काफ़ी मतलब यूज़फुल होता है. एंड 1 मिनट चार्ट वो ही यूज़ करते हैं जो कि प्रो होता है गैस, समझ रहे हो ना, लेजेंड. तो उन लोग ही 1 मिनट में यूज़ करते हैं, और 2 मिनट का लगाओगे तो आप ध्यान देख सकते हो 2 मिनट का कैंडल बन रहा है यहाँ पर. एंड 3 मिनट का लगाओगे तो 3 मिनट. तो मैं तो फ़िलहाल मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, मैं 5 मिनट पर मैं ट्रेड लेने के लिए मैं ट्रेड लेना पसंद करता हूँ 5 मिनट पर, जो कि काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मतलब हम जैसे बिगिनर्स लोग के लिए तो ठीक ही रहता है 5 मिनट, और आपके लिए भी ठीक ही रहेगा 5 मिनट. तो चले गाइस मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं. तो पहले तो मैं बताता हूँ रेजिस्टेंस कैसे बनता है. तो ये देख रहे हो यहाँ पे कैंडल, एक रेड कैंडल बना, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल. एक बात ध्यान रखना, जो कि ग्रीन कैंडल हमेशा बनता है नीचे से, यानी कि नीचे से ओपन होता है और ऊपर जाके ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, और रेड कैंडल का क्या होता है, उल्टा होता है. रेड कैंडल क्या होता है, ऊपर से ओपन रहता है और नीचे जाके क्या होता है, क्लोज रहता है. समझ में आया. तो यहाँ पे जाके देख सकते हो यहाँ पे ये वीक है, यहाँ देख सकते हो ये वीक है, प्राइस ऊपर गया था, बट क्या किया सेलर्स ने, क्या किया बायर्स को, ये बायर्स है, ये ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स, रेड कैंडल मतलब सेलर्स. तो प्राइस ने क्या किया, पहले तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना था, ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ तक गया था यहाँ पे, ये वीक देख रहा हो, ये वीक तक गया था, बट सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने नीचे जाके यहाँ पे फिर से आके क्लोज किया, समझ रहे हो. तो ये देख रहा हो ये वीक यहाँ पे, ये वीक देख रहा हो यहाँ पे, ये वीक, जी हाँ. तो ये पूरा बायर्स बैठे हैं यहाँ पे, बायर्स को पूरा क्या किया, बियरिस बन के पूरा खा गया यहाँ पे,
तो ये रहा गाइस, ये था। एंड यहाँ पे भी वैसे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया था, बायर्स लेके गए थे ऊपर, बट सेलर्स ने क्या किया, नीचे आके यहाँ तक क्लोज कर दिया। तो चलिए अब बनाते हैं हम, चलिए यहाँ पे बनाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये हम यहाँ पे। तो गाइस मैंने क्या बोला था आपको, जहाँ से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से देख सकते हो ये मार्केट ऊपर गया था, बट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा। तो ये क्या बना हमारा, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस ये था हमारा रेजिस्टेंस। ओके एंड अब सपोर्ट बनाएंगे हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस, देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन से, देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट लेके जा रहा था मार्केट, यहाँ से देख सकते हो, देख सकते हो यहाँ से प्राइस टच किया यहाँ पे, फिर नीचे आया, फिर इम्पल्सिव मूव दिया, फिर करेक्टिव मूव दिया, फिर यहाँ पे साइडवेज रहा, देख सकते हो यहाँ पे साइडवेज रहा, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे क्या किया, प्राइस टच हुआ फिर से, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मतलब बेहतरीन सा मतलब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके जा रहा था। बट देख सकते हो टाइम फ्रेम, आप देख सकते हो यहाँ पे 15 यानी कि 3 बजे 15 का कैंडल देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, यहाँ पे ये नीचे का क्या, ये नीचे का ये लाइन देख रहे हो, ये सपोर्ट है जो कि ब्रेक हो चुका है यहाँ पे 15 यानी कि 3 बजे का। तो यहाँ देख सकते हो काफ़ी, आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं हाफ में, या यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कितना आपको पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे, आपको आप पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं यहाँ पे, कितना 74 पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे, देख रहे हो। तो ये होता है एनालिसिस, आपको आना चाहिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना। एंड तो चलिए दूसरा जगह मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिर से, देख सकते हो, चलिए यहाँ बना के दिखाता हूँ फिर से मैं आपको। तो ये देख सकते हो यहाँ से हमने क्या किया, सपोर्ट ड्रॉ किया यहाँ से, ये देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया, ये देखा यहाँ पे सपोर्ट लिया था प्राइस ने, ये कैंडल देख रहे हो, ये देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बनाए यहाँ पे, चलिए ये था रेजिस्टेंस। तो यहाँ देख सकते हो काफ़ी मार्केट फिर से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से क्या क्या प्राइस ब्रेक होना चाह रहा था बट नहीं हुआ। ध्यान रखना गाइस, हमेशा जब भी यहाँ पे ब्रेक होता है दूसरा कैंडल इसका नीचे बनना चाहिए, तभी आप एंट्री लोगे, समझ रहे हो ना, दूसरा कैंडल यहाँ के इस कैंडल के नीचे बनना चाहिए, तभी आप यहाँ पे शॉर्ट के लिए पोजीशन बना सकते हो, समझ में आया। फिर ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से क्या लिया, रेजिस्ट लेके फिर से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन से यहाँ पे क्या था, बायर्स थे, जहाँ पे सपोर्ट होता है यहाँ पे, जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे क्या होता है, बायर्स रहते हैं, और जहाँ पे रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है वहाँ पे क्या बैठे रहते हैं, सेलर्स। तो यहाँ देख सकते हो, और देख सकते हो ये कैंडल कितना बजे, 11, 11:30 बजे का कैंडल बना यहाँ पे, और जो कि रेजिस्टेंस ब्रेक किया है यानी कि सेलर्स, सेलर्स मतलब बायर्स को नहीं रोक पाए, एंड बायर्स ने कैंडल मतलब इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो ब्रेक किया। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, जो ब्रेक ब्रेकिंग कैंडल होता है उसका, ये देख रहे हो यहाँ पे ओपन हुआ कैंडल और यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर क्लोज जहाँ पे हुआ वहाँ से ओपन होने से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, समझ रहे हो। कितना कैंडल यहाँ पे मिला आपको, 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे देख सकते हो, और एक 5 मिनट का कैंडल, और ये भी देख सकते हो यहाँ पे गया था ऊपर बट सेलर्स ने क्या किया, नीचे भेजा फिर से। तो आपको ऐसा मतलब कैंडल को ध्यान से देखना चाहिए गाइस, मतलब कैंडल को समझना पड़ेगा गाइस आपको, तो उसके लिए आपको मतलब काफ़ी बुक भी मिल जाएगा आपको, मतलब आप पढ़ सकते हो कैंडल को रिलेटेड। और मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मतलब कैंडल रिलेटेड, आप कैसे कैंडल को देख कर आप पहचान पाओगे मतलब कौन डोमिनेंट है, बायर्स या सेलर्स, तो उसी को लेके मैं आप नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सोच रहा था मैं कि मैं लेके आऊँ। तो गैस आपको आई होप आपको मतलब बनाना आ चुका होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे बनाते हैं।
तो इस वीडियो पर इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक ले गाइस, आपको और भी जानना है तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट रिलेटेड, तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।